नमस्कार दोस्तों, हम पिछला वीडियो में हम इस बेंडिंग मशीन के पूरे जो जानकारी ली हुई थी, जैसे कि आपको पिन जो सेटअप कैसे करना है, इमरजेंसी स्विच कौन सा काम करता है, ये जो स्विच होते हैं ये पूरे कौन से वर्किंग करने हैं, ये पिन के बारे में आपको बेसिक पूरा बताया था। ठीक है, उसी वीडियो के जो हम माध्यम से आपको यहाँ पर एक रिंग डेमो बना के दिखाने वाले हैं, तो उस रिंग डेमो बनाने के लिए क्या क्या आपको यहाँ उसके जिम्मे, मतलब कैसे आपको यहाँ पर पूरा ये जो सेंटर पिन है यहाँ से आपको वो 90 डिग्री के लिए और 135 डिग्री के लिए आपको कितना यहाँ मेजरमेंट लेना होगा और इस पिन के पीछे से कितना मेजरमेंट लेना होगा, तो उसमें सब फॉर्मूले के हिसाब से आपको पूरा प्रैक्टिकली समझाऊंगा। तो इस वीडियो में आपको शुरू में आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले ये जो जानकारी जो कि सेफ्टी, सबसे पहले सेफ्टी क्या लेनी चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बेंडिंग मशीन में आपको ये जो इमरजेंसी स्विच है ये बहुत पहले चालू है कि नहीं, ऑपरेटिंग करता है कि नहीं, इसको आपको सबसे पहले देखना है दोनों साइड का। ठीक है, ये दोनों साइड का हमारा पहले यहाँ पर क्लियर है। ठीक है, उसके बाद में ये जो सब क्लियर होने के बाद में अभी इस मशीन को हम अभी देखो स्टार्टिंग में चलाने वाले हैं, तो इस शॉर्ट स्टॉपर को आप आगे पीछे कर दीजिए यहाँ पर, फिर यहाँ पर एक ऑन करिए। ऑन करने के बाद यहाँ पर एक हम चॉइस करते हैं तीन नंबर ऐसे, उस यहाँ पर एक स्टार्ट करके यहाँ पर चेक करेंगे कि पूरा इसका पिन काम फर्स्ट कर रहा है कि नहीं। तीन नंबर का पिन है हमारा काम कर रहा है, ये पहले सेटअप चेक करेंगे ताकि हमारा ये स्टॉपर को छोड़ के जैसे कि ये स्टॉपर से ऐसा डायरेक्ट होता है कि नहीं ये पहले चेक करना होगा, नहीं तो ये डायरेक्ट हो जाएगा तो हमारा पहले ही वाट लग जाएगा। इसके लिए ये सबसे पहले सेफ्टी का पॉइंट क्लियर करना होगा, उसके बाद हम चालू करते हैं। एक रिंग है, ये है रिंग हमारा। ठीक है, इसका ये हुक है, ये 135 डिग्री हुक है हमारा, और यहाँ पर ये 90 डिग्री हमारा ये है, ये 135 डिग्री है। ठीक है, और ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। अभी इसकी साइज जो है ये हमारा है 80 mm का हुक है, और ये जो हमारा है 140 की साइज़ और ये आकर 240 की साइज़। अभी यहाँ पर हम कैसे सेटअप करके यहाँ पर जो बनाने वाले हैं वो आपको यहाँ प्रैक्टिकली बनाएंगे। सबसे पहले हम एक बनाने वाले हैं वो ये हुक बनाने वाले। ठीक है, ये हुक रहेगा हमारा 135 डिग्री, तो ये फर्स्ट है हमारा, तो ये फर्स्ट हम यहाँ पर एक करने वाले, तो यहाँ से हम एक सरिया लेके डायरेक्टली चालू करके बताने वाले हैं। जैसे कि अभी यहाँ देखिए, ये जो है हमारा सेंटर पिन जो है, ये जो सेंटर पिन, यहाँ से हमें 80 mm का पहला बेंड हुक कर देना है। तो बेंडिंग फर्स्ट यहाँ पर हम 135 डिग्री पेंट करने वाले, तो ये कैसे लेने वाले, 80 mm हमें रखना है 10D। तो यहाँ पर देखिए ये कैलकुलेशन हम देखते हैं, ये देखो 80 mm है हमारा हुक। ठीक है, इसमें हमें क्या क्या माइनस करना होगा, तो माइनस करते टाइम यहाँ पर देखिए ये जो सेंटर पिन है ये हमारी है कितने की, 25 mm की। ठीक है, तो ये 25 mm हमें माइनस करना होगा, ये जो हमारा जो लेंथ है हुक लेंथ इसका 25 mm। ठीक है, ये पिन है, और उसके बाद में हमारा जो ये डाया जो है रिंग का जो डाया होगा आपका, मेरा वाला 10 mm है, जो आपकी रिंग बनाने वाले हैं तो उसके हिसाब से आप बना सकते हैं। तो मैं अभी 8 mm का रिंग है, इसके हिसाब से हम करने वाले, 8 mm का है तो ये डाया माइनस करेंगे 8 mm रिंग डाया। ठीक है, ये हमारा टोटल कितना बनेगा, 80 में ये 25 और 8 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 47 mm। तो ये हमारे जो सेंटर पिन है, इस सेंटर पिन से हमें आगे रखना होगा, ये जो सेंटर पिन है इस सेंटर पिन से हमें 47 आगे रखना होगा, बराबर। तो 47 के लिए और एक बात रहेगा मैं बताना आपको कि इसमें जो हमारे पास में है ये 90 डिग्री के लिए हम ये जो पिन है ये फर्स्ट पिन हम यहाँ आगे रखा है जॉगल के लिए है बोल के, ये हमारा सेकंड पिन और ये है थर्ड पिन। तो ये थर्ड पिन है हमारा, ये जो है हमारा 135 डिग्री के लिए है और ये जो है हमारा ये 90 डिग्री के लिए। ठीक है, ये जो पिन है ये यहाँ छेद से यहाँ आगे जो है 1 2 3 4 5 नंबर पर हमारा है ये वाला पिन, और जो 90 डिग्री वाला जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 नंबर पे हमारी है। ठीक है, आपको मान लीजिए थोड़ा सा फैला है तो उसको आप एक पिन पीछे करके आपको एडजस्ट कर सकते हैं, एक आधा पिन आगे पीछे होके आपको डाया वाइज आपको कर सकते हैं सेटअप। ठीक है, तो हम पहले सबसे पहले क्या मारने वाले थे, 135 डिग्री का हुक मारने वाले। 135 हुक के लिए हमें क्या करना होगा,
यहाँ से हमने कैलकुलेशन निकाला था 47, ये देखिए ये 47 कैलकुलेशन निकाला था, उसके हिसाब से हम आगे छोड़ के आपको एक बेंड करके दिखाने वाले हैं। ये 47 देखिए, यहाँ पर 47 हो गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक पिन जो सेटअप करने वाले हैं वो 3 नंबर का, ये चालू है हमारा 3 नंबर। उसके बाद हम चालू करते हैं, ये देखिए यहाँ पर पिन, उंगली भी बराबर फंसाना नहीं है, यहाँ पर ऐसे पीछे करके नहीं रखना है आपको, एक आराम से हल्का से ये हो गया हमारा 130 बाय 130। सबसे पहले हमने हुक बेंड किया और इसका जो आउटर टाउटर हमारा 80 mm, देखिए 80 mm हमारा हो गया, ठीक है। 80 mm हुक मारने के बाद हमें क्या करना है, सेकंड करना है, ये फर्स्ट करना है, अभी सेकंड करना है ये वाला साइज सेकंड। अभी सेकंड में क्या है, देखिए यहाँ पर आ गए हम, अभी सेकंड में हमें मारना है 130 90 डिग्री, मतलब ये पिन से जो है आगे, सेंटर पिन से आगे, ये सेंटर पिन से आगे हमें 90 डिग्री का लेंथ लेना होगा। तो 90 डिग्री का लेंथ जो है लेने के लिए क्या कैलकुलेशन करना होगा वो बताते हैं। इसका साइज है हमारा 140 140 में, अभी देखिए 140 mm साइज है 90 डिग्री के लिए, ठीक है। ये 130 बाय डिग्री के लिए था, सॉरी 130 बाय डिग्री के लिए, और ये 90 डिग्री। अभी 90 डिग्री में पिन के आगे से कितना छोड़ना होगा तो उसके लिए बात करते हैं। अभी देखिए इसमें क्या है हमारा, इसमें माइनस क्या क्या करना है बताता हूँ। सबसे पहले आप जैसे कि इधर भी आपने पिन माइनस किया था, सेम वैसे पिन माइनस कर दीजिए, ठीक है। सेकंड आपने 8 mm का डायरिंग डाया माइनस किया था, इसके लिए वो भी हमें यहाँ पर माइनस की दीजिए, और उसी का ही रिंग डाया का हाफ, यानी इसका ही होना 1.5 होना चाहिए, जो रिंग डाया जो है मैक्सिमम सोचना है सोचो सेम है इसका, लेकिन 1.5 इतना, यानी एक डाया प्लस इसका आधा, यानी जैसे कि हम कैलकुलेशन फिर से करेंगे इसका, तो 8 प्लस इसका आधा करेगा तो 4, इतना माइनस करेंगे। जैसे कि 140 में 25 का पिन माइनस करना है, और दूसरा जो डाया जो आपका बार डाया है उतना उसी का आधा वाला फिर से, मतलब 1.5 जो है उतना हमें माइनस करना होगा। तो माइनस होगा करेंगे तो हमारा जो आंसर आता है वो हमारा आंसर आता है 103 mm, ठीक है। तो 103 हम यहाँ पे इस सेंटर पिन से आगे रख के हम इसका बेंड करते हैं 90 डिग्री वाला 103। यहाँ पर देखिए 103 रखा और यहाँ पर बेंडिंग चालू। और दूसरा अभी बेंडिंग 90 डिग्री के लिए क्या था अपना, 2 नंबर्स, ये 2 नंबर्स चालू कर दिए, और यहाँ 90 डिग्री का पिन हमारा 2 नंबर काम करेगा। यहाँ पर देखिए हम साइज चेक करेंगे, परफेक्ट 140 mm आ गया, ये हमारा परफेक्ट 140, ठीक है। अभी ये बेंड होने के बाद इसको घुमा देना है, और इसके पीछे वाले साइड को यहाँ पर पीछे रख देना है, ठीक है। तो पीछे रखने के लिए यहाँ देखिए हमारा ये फर्स्ट बेंड हुआ, एक रिंग मारा, दूसरा ये साइज मारा, और तीसरा हम यहाँ पर है, ये तीसरा ये हमारा साइज रखना है। तो हम यहाँ 540 की साइज है हमारी, तो तीसरा के लिए क्या करना होगा, देखिए थर्ड के लिए हमारा 540। तो इसमें क्या करना होगा, आपको सिर्फ 90 डिग्री बेंड कर देना है, ठीक है। तो 90 डिग्री बेंड करने के लिए हमें सिर्फ इसमें क्या करना है, जो रिंग आया है एक वो माइनस करना होगा। इसमें जो है हम यहाँ पर ऊपर में देखो पिन माइनस किया था, क्योंकि वो आगे से मेजरमेंट था, लेकिन इसमें मेजरमेंट के टाइम हम पिन माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा ये पीछे से मेजरमेंट है। तो 90 डिग्री के लिए हमारा जो पीछे से मेजरमेंट करते हैं, तो एक डाया माइनस कर दीजिए, तो हमारा जो होता है वो होता है 532 mm। तो ये आपको यहाँ दिखाता हूँ बेंडिंग करके, ये 2 नंबर का पिन है, और यहाँ पर स्विच भी हमारा चालू है 2 नंबर का ही, ठीक है। तो यहाँ से हम पीछे से यहाँ लेंगे, तो हम 532 लेना चाहिए सेंटर पिन से, 532, हाँ ये 532 हमारा है, या ये जो है यहाँ से हमारा पीछे से लिया गया है, ये हमारा 532 हमने
सेंटर पिन के पीछे से हमें 532 लिया है, के पीछे से 532 लेके हम यहाँ पर चालू करते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर अभी देखिए ये हमारा जो रिंग का जो आधा पैटर्न है वो हमारा बन गया। अभी सेम इसका रिवाइज जो आ गया है वो बचा हुआ इसका पार्ट है वो हमें सेम इसका बनाना है। तो इसको देखिए अभी ये हमने 135 डिग्री के लिए आगे से लिया, इसका भी 135 डिग्री के लिए 90 डिग्री के लिए आगे से लिया। अभी ये जो 90 डिग्री था ये पीछे से लिया, सेम इसका अभी सब पूरा जो पार्ट है वो पीछे से ही करना है। तो अभी यहाँ पर देखिए हमने जैसे 540 में सिर्फ एक डाया माइनस किया था वैसे ही 140 में भी एक डाया माइनस करेंगे। तो इसको कितना आएगा, 140 माइनस 8 यानी जो हमारा रिंग का डाया 8 है तो हमारा आएगा 132 है। तो यहाँ पे हम 132 लेने वाले हैं। तो 132 लेके जो हमारा 90 डिग्री के लिए दो नंबर पिन यूज है वही हमारा चालू स्विच भी है हमारा, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर चालू करते हैं। अभी देखिए ये जो पिन है ये पूरा बन गया है, देखिए एयरिंग का सेटअप पूरा बन गया, लेकिन अभी यहाँ सिर्फ रह गया है ये 135 डिग्री का हुक मारना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम जैसे सिर्फ 90 डिग्री के लिए कर रहे थे तो सिर्फ एक डाया माइनस कर रहे थे, ठीक है। अभी बचा हुआ क्या है, सिर्फ एक आगे से 135 डिग्री का हुक है, ठीक है। इस टाइम क्या करना होगा, जैसे आपका अभी 135 डिग्री है तो लास्ट पॉइंट जो है तो हमारा इसका हुक जो है वो हम बेंड करते टाइम इसको माइनस कुछ भी नहीं करना है। ये जो रिंग लास्ट बनाने वाले हैं यहाँ का जो मेजरमेंट है ये कितना है, 540, या हमें 540 फिक्स रखना होगा, ठीक है। ये 540 ये सेंटर पिन से दिख रहा है, ये सेंटर पिन दिख रहा है, ये सेंटर पिन के पीछे से 540 फिक्स रखा है क्योंकि यहाँ पर जो है वो आगे हमारा 135 डिग्री का हुक बनने वाला है इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए और रहना यहाँ पर हम मारने वाले हैं अभी 135 डिग्री। तो ये तीन नंबर का पिन है, ठीक है, ये यूज़ करना है। तो इसके लिए यहाँ हमारा स्विच तीन नंबर पे होना चाहिए, तीन नंबर का स्विच दबा के हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। अभी देखिए बेंडिंग करते टाइम ना ये ऊपर ऐसा उठा के रखना पड़ेगा, ठीक है। नहीं उठता है तो आप एक साइड में ना ऐसा सरिया बना के आप रख सकते हैं, उससे आप है ना हाथ में उंगली नहीं फंसाना है, इसके लिए ऐसा रख सकते हैं। देखिए ये ऐसा रख दिया, ठीक है, 540 रखा था और हम यहाँ पर अभी चालू करते हैं। देखिए इसमें हमारा देखिए उंगली भी फंसने का कुछ ये नहीं है, हमें इसमें सेफ्टी है पूरी। ये हमारा पूरा 135 डिग्री के हिसाब से हमारा रिंग बन गया। देखिए हम साइज चेक करने वाले हैं, हम जैसे कि इसमें माइनस नहीं किया था तो 540 हो गया, 540, ठीक है। ये हमारा साइज के इसके हिसाब से आप यहाँ पर रिंग बना सकते हैं, ओके। ये रिंग जो बनाने में इतना जो पूरा वर्किंग जो करना पड़ा इसके हिसाब से आप कर दीजिए, ये परफेक्ट आपको रिंग बनाने आएंगे। तो इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ करना। थैंक यू सो मच।